प्यारे बच्चों देखिए, इस वीडियो में आपको पढ़ना है कि रेखाखंड का बाह्य विभाजन। ठीक है, पहले तो अंतः विभाजन हुआ, अब पढ़ना आपको बाह्य विभाजन। वैसे बाह्य विभाजन है नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखिए, वहां पे जहां जहां प्लस था वहां वहां बस माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट आर है जिसका कोऑर्डिनेट देखिए m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। सब कुछ वही है, बस केवल यहाँ पे साइन का चेंजिंग हुआ है। उसमें प्लस था, इसमें अंतर विभाजन में प्लस था, बाह्य विभाजन में माइनस है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट P और Q, बिंदु P और Q ये रेखाखंड है, ये पॉइंट R जो है वो पी क्यू को m1 रेशियो m2 के रेशियो में बाह्य विभाजित बाह्यता विभाजित करता है। ठीक है, तो आइए इसको डिराइव हम करते हैं। यहां से इस पे लंब L, यहां से इस पे M और यहां से इस पे N हो गया, फिर यहां से इस पे, ठीक है, S हो गया, यहां से इस पे T हो गया। ठीक है, अब देखिए वही सेम, यहां से यहां तक OL कितना है, X1 है। ठीक है, X1, फिर उसके बाद यहां से यहां तक कितना है, X2 है, और फिर यहां से यहां तक X है। तो जरा ये बताइए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, LN, LN कितना होगा, LN पूरा X है और OL घटा देंगे तो LN आ जाएगा। तो यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा X माइनस X1 हो जाएगा यहां से यहां। ठीक है, X माइनस X1 हो गया। फिर उसके बाद फिर देखिए, अब यहां से यहां तक MN कितना होगा, MN X माइनस X2 हो जाएगा, X माइनस X2 हो जाएगा। ठीक है, X माइनस X2 यहां से, जब MN जितना होगा उतना ही QT हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी, तो ये कितना हो गया, X माइनस X2। ठीक, ये पूरा कितना है, जितना ये LN है उतना ये PS है। ठीक है, अब यहां देखिए ये कितना होगा, ये कितना X2 है और ये पूरा X है। ठीक है, तो यहां पूरा X में से हम इतना घटा देंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका Y माइनस y1, और फिर ये इतना इतना कितना rt, rt कितना y माइनस yt। ठीक है, ये थी। अब यहां पे आप लिख लीजिए, पहले ps कितना है, ps इक्वल टू ps, ये इतना पूरा x माइनस x1, x माइनस X1, फिर PS, फिर उसके बाद QT, देखिए QT इक्वल टू X माइनस X2, फिर देखिए आप RS, देखिए RS, RS कितना है, RS आपका Y माइनस y1। ठीक है, फिर उसके बाद rt कितना है, rt, rt आपका y माइनस y2। ठीक है, और ये pr, pr आपका m1 है और qr जो है वो m2। ठीक है, आइए देखिए, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल कॉमन है, तो इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज पी एस आर क्यू टी आर के समरूप है। ठीक है, त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज पी एस आर सिमिलर है ट्रायंगल क्यू टी आर के। ठीक है, ये सिमिलर है। उसके बाद देखिए,
जब सिमिलर हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। आइए तुरंत पी एस अपान, देखिए बड़े वाले त्रिभुज की भुजा उसकी संगत भुज छोटे वाले की संग, देखिए क्यूटी हो जाएगा। पी एस अपान क्यूटी इक्वल टू, देखिए ये पूरा इतना बटे इतना, आर एस अपान आर टी, आर एस अपान आर टी इक्वल टू, देखिए पी आर अपान क्यू आर, पी आर अपान क्यू आर, ठीक है। अब देखिए आप वैल्यू पुट करिए, पी एस की वैल्यू यक्स माइनस यक्स वन अपान क्यू टी की वैल्यू क्यू टी यक्स माइनस यक्स टू इक्वल आर एस वाई माइनस वाई वन अपान आर टी वाई माइनस वाई टू इक्वल पी आर एम वन अपान एम टू, ठीक है। फिर से हम उसी तरह, आइए देखिए यदि यक्स माइनस यक्स वन अपान यक्स माइनस यक्स टू इक्वल टू एम वन अपान एम टू, ठीक है। तब फिर देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, इसमें एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन इक्वल टू एम वन एक्स माइनस एम वन एक्स टू, ठीक है। आइए फिर एक्स वाला एक जगह कर लीजिए, ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, ठीक, बस और कुछ नहीं, इसको इधर लाइए एम वन एक्स टू, फिर ये माइनस एम टू एक्स वन इक्वल टू, देखिए ये एम वन एक्स अपने स्थान पे है ही, ये इधर ये वाला इधर गया एम टू एक्स हो गया माइनस एम टू एक्स, ठीक है। अब इसको आप पहले लिख लीजिए, ये दोनों में एक्स कॉमन हो जाएगा, कॉमन करके एम वन माइनस एम टू लिख दे रहे हैं, और इसको बस केवल राइट साइड में एज इट इज लिख दे रहे हैं एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपान एम वन माइनस एम टू, ठीक है। ये तो देखिए ये भुज आ गया, किसका, बिंदु आर का भुज एक्स इक्वल टू। अब आइए सेम इसी तरह यदि वाई माइनस वाई वन अपान वाई माइनस वाई टू इक्वल टू एम वन अपान एम टू, यहां से वाई माइनस वाई वन अपान वाई माइनस वाई टू इक्वल टू एम वन अपान एम टू, फिर क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एम वन वाई माइनस एम वन वाई टू इक्वल टू एम टू वाई माइनस एम वन एम टू वाई एम टू वाई, ये इधर का मतलब ये एम वन का हो गया, ये एम टू का हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां से y वाला एक स्थान पे कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इसको इधर लाइए एम वन माइनस एम वन वाई माइनस एम टू वाई इक्वल टू एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई, ठीक है। अब यहाँ से वाई कॉमन कर लीजिए आप, एम वन माइनस एम टू इक्वल टू एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई, ठीक है। अब यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा
एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपान एम वन माइनस एम टू, ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया वाई का क्वाड्रेंट मतलब कि कोट, ठीक है। हमको लाना क्या था, आर एक्स का वाई इक्वल टू एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपान एम वन माइनस एम टू, फिर एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपान एम वन माइनस एम टू। यहाँ देखिए एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपान एम वन माइनस एम टू, फिर यहाँ पे एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपान एम वन माइनस एम टू। देखिए अंतर विभाजन में जहाँ प्लस था यहाँ पे वहीं पे माइनस हो गया है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, नोट करते हुए आप फिर से समझिए। देखिए हमने सबसे पहले पी क्यू बनाया, उसके बाद रेखा पी क्यू खींचा था, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया, जो पी क्यू को यम वन रेशियो यम टू के रेशियो में बाह्यतः विभाजित करता है, क्योंकि बिंदु पी क्यू हमारा यहीं तक है रेखाखंड और ये बाहर है इसके, इसलिए यम वन रेशियो यम टू के रेशियो में ये बाह्यतः विभाजित करता है। तो यहाँ पे पी क्यू आर तीनों का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है, और फिर देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सबकी वैल्यू निकाल लिया है, उसको समझा दिया हमने, जिसकी जिसकी जरूरत थी हमने पहले लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिभुज पी एस आर और क्यू टी आर, देखिए दोनों सिमिलर हैं क्योंकि ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री और ये दोनों में कॉमन है आर एंगल आर, इसलिए दोनों समरूप हो गए, और जब समरूप हो गए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर दिया, ठीक है, ये हुआ। फिर वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद यहां से पहले ये इतना बराबर इतना लिया, ठीक है। तो यहाँ x माइनस एक्स वन अपान x माइनस एक्स टू इक्वल टू यन अपान एम टू, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लिया हम, ठीक है, अब यहां से इसको हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने y माइनस y1 अपान y माइनस y2 अपान इक्वल टू y m1 अपान m2, ये ले लिया यहाँ पे, ये ले लिया। उसके बाद इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको बस हमने अरेंज कर दिया, ठीक है, इसको हमने अरेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से वाई कॉमन कर लिए, फिर उसके बाद इसको उधर भेज दिए, ठीक है, बस यहाँ से वाई कॉमन करके वाई का मान निकाल लिए, जो आ गया क्या एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपान एम वन माइनस एम टू। यही था आपका बाह्य विभाजन का फार्मूला, ठीक है। वैसे डिराइव करने के लिए तो आपके बुक में नहीं था, बस केवल फार्मूला ही था, लेकिन हमने आपको डिराइव करा दिया है, इसको आप नोट करिए, फिर आगे माध्य बिंदु का फार्मूला बताते हैं, नोट करिए इसको। आगे देखिए बच्चों, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, रेखाखंड खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे देखिए ये रेखाखंड PQ है, P का निर्देशांक वही x1 कामा वाई वन और Q का x2 कामा वाई टू, तो इसके मध्य बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है। जैसे देखिए अगर मध्य बिंदु है तो जितना अनुपात इसका होगा उतने अनुपात इसका होगा, ठीक है। मान लीजिए दोनों का अनुपात जब दोनों का समान हो जाएगा तो उसका रेशियो वन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो वहाँ पे यम वन यम टू था, ठीक है, अंतर विभाजन में यम वन यम टू के स्थान पे आप अगर ऐसे यही देख लीजिए दोनों का अनुपात, अगर मान लो यम वन इक्वल टू टू आ गया और यम टू इक्वल टू भी टू आ गया, तो जब यम वन रेशियो यम टू निकालेंगे तो वन रेशियो वन ही आएगा ना। इसका मतलब जब ये मध्य बिंदु है और ये जब मध्य बिंदु है दोनों बराबर ही है, जब बराबर है तो इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, यम वन वन रेशियो वन, जो वन रेशियो वन हो जाएगा। फिर देखिए तो जो हमारा कोऑर्डिनेट था उसके स्थान पे वन, यम वन के स्थान पे वन, यम टू के स्थान पे वन, हर जगह वन रख देंगे, ठीक है। तो देखिए आर
जिसका कोऑर्डिनेट है x कामा y है, ठीक है, क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही है इसका कोऑर्डिनेट। अब आपको देखिए बता दे रहे हैं, तो जो m1 रेशियो m2 है, हमने आपको बताया जब दोनों सेम रहेगा तो 1 रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर विभाजन के फार्मूले से आपका हम बता रहे हैं आर यक्स कामा वाई, ठीक है, ये तो यही फार्मूला है मध्य बिंदु का, जो मेन फार्मूला है रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला ये है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आया कैसे, तो देखिए यक्स के लिए क्या है, यम वन यक्स टू प्लस एम टू यक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू, ठीक है। वाई के लिए क्या है, एम टू वाई वन सॉरी एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब देख लीजिए आप, एम वन के स्थान पे एम टू के स्थान क्या रखें, वन बनाम रखेंगे, वन इंटू यक्स टू प्लस वन इंटू यक्स वन अपान वन प्लस वन कामा वन इंटू वाई टू प्लस वन इंटू वाई वन अपान वन प्लस वन, ठीक है। आगे देख लीजिए आप, अब ये यक्स टू प्लस यक्स वन अपान टू और वाई टू प्लस वाई वन अपान टू, ठीक है। अब यही आप क्या हो गया आपका आर यक्स कामा वाई इक्वल टू यक्स वन प्लस यक्स टू अपान टू वाई वन प्लस वाई टू अपान टू। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला यही है। यहाँ से देखिए, जब ये दोनों रेशियो मतलब ये मध्य बिंदु दोनों बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो उनका जो अनुपात हो जाएगा वन रेशियो वन का हो जाएगा, जब वन का हो जाएगा तो वही अंतर विभाजन में आप वन का वन को रख दीजिए या मोन एम टू के स्थान पर वन वन रख दीजिए, देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला ये आ गया। ये आपका मध्य बिंदु का किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक के फार्मूला का फार्मूला यही, इसी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करिए आप इसको, एक और फार्मूला बचा है देखिए प्यारे बच्चों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। यदि कोई तीन बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, तो जैसे देखिए किसी यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः यक्स वन वाई वन यक्स टू वाई टू और यक्स थ्री वाई थ्री है, ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, वन अपॉन टू ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट में यक्स वन फिर वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है, प्लस यक्स टू फिर छोटे वाले ब्रैकेट में यक्स थ्री माइनस सॉरी वाई थ्री माइनस वाई वन फिर छोटा ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू फिर छोटा ब्रैकेट क्लोज फिर उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट क्लोज। देखिए इसमें एक अल्टरनेट है, अगर यक्स वन वन का कोई टर्म है, यक्स का अगर वन का टर्म है तो यहाँ पे वाई का कोई वन का टर्म नहीं रहेगा, ठीक है, ये अल्टरनेट है, ठीक है। इस तरह आप समझ लीजिएगा, ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, ठीक है। वैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वन अपान टू इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन आपको यहाँ पे निर्देशांक के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अब क्वेश्चन के साथ। अब तो जो भी डेरिवेशन या फिर फार्मूला था वो हो चुका है, बस आपको अब क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।